ये कहता है एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा दिया है यार, ठीक है, ओमेगा जो है वो 20 रिवोल्यूशन पर मिनट है, ओमेगा इज इक्वल टू 120 रिवोल्यूशन पर मिनट से, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील में ओमेगा निकालना है यार, ठीक है। अब जो रिवोल्यूशन है ये ओमेगा नहीं है यार, ये एक्चुअली जो रिवोल्यूशन जो है वो 20 रिवोल्यूशन पर मिनट से, तो जो रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 120 अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और टी रिवोल्यूशन पर सेकंड जितना रिवोल्यूशन होता है, एक सेकंड में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में दो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर एक सेकंड में 10 चक्कर लगाएगा तो वही इसकी फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 50 चक्कर लगाएगा तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा आराम से निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई रेडियन ओमेगा आ जाएगा, 4 पाई मतलब ए ऑप्शन सही है ना, आसान क्वेश्चन।